देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप। मुबारक हो, भारत इकलौता ऐसा देश बन चुका है जहां जाति के आधार पर नौकरियां तो दी ही जाती थी, जाति के हिसाब से अब मंत्री भी बनाए जाते हैं। लेकिन अब जाति के हिसाब से मंत्री बनाए जाने पर प्रधानमंत्री के नए मंत्रिमंडल को मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। अगर ये आधुनिक भारत है तो एक प्रो आधुनिक भारत जरूर होगा, जो फिलहाल अभी दूर मालूम पड़ता है। बाकी आज 7 जुलाई को मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। काम करने वालों को इनाम मिला है, काम नहीं करने वालों को राम राम किया गया है। तो वहीं कुछ लोगों को इनाम दिया गया है क्योंकि उनसे आगे काम लिया जाएगा। बीजेपी वाले कहते हैं कि पीएम मोदी हमेशा चौका लगाते हैं और अपने फैसलों से सबको चौंकाते हैं, लेकिन इस बार के कैबिनेट रिशफल से पीएम मोदी ने सच में सभी को चौंका दिया है। 2014 से लेकर अब तक ये एक नया रिकॉर्ड है कि 8 महिलाओं को गवर्नर और एलजी बनाया गया है। और इसमें भी एक रिकॉर्ड ये है कि इनमें से 8 में से 5 महिलाएं एससी एसटी ओबीसी या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती है। यह पीएम मोदी के काम करने का तरीका है, काम करो नहीं तो बाहर हो जाओ। ये रही बाहर वालों की लिस्ट, जिसे मैं पढ़कर बताता हूं। सबसे पहला नाम रमेश पोखरियाल निशंक जी का। उत्तराखंड के हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया। वह मानव संसाधन विकास मंत्री थे। बीते दिनों रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना हो गया था उनको और वह 1 महीने तक एडमिट रहे थे। खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वह इस्तीफा दे रहे हैं। दूसरा नाम संतोष गंगवार। उत्तर प्रदेश के बरेली से सांसद संतोष गंगवार से भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। वह श्रम एवं रोजगार मंत्री स्वतंत्र प्रभार से थे। कोरोना काल के दौरान संतोष गंगवार की एक चिट्ठी खूब वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने यूपी सरकार की आलोचना की थी। उनकी जगह पर लखीमपुर खीरी से सांसद अजय मिश्रा को मंत्री बनाया जा रहा है। तीसरा नाम देवोश्री चौधरी। पश्चिम बंगाल की रायगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद देवोश्री चौधरी को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। वह महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री है। बताया जा रहा है कि उन्हें पश्चिम बंगाल बीजेपी से अहम पद दिया जा सकता है। अगला नाम बाबुल सुप्रियो। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा दे दिया है। वह पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। बताया जा रहा है कि बाबुल सुप्रियो पार्टी से नाराज चल रहे थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी बाबुल सुप्रियो मैदान में उतरे थे, लेकिन 50,000 वोटों से हार गए थे। राव साहेब दानवे पाटिल। अगला नाम महाराष्ट्र की जलना लोकसभा सीट से सांसद राव साहेब दानवे पाटिल ने भी इस्तीफा दे दिया है। वह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री हुआ करते थे। सदानंद गौड़ा। अगला नाम कर्नाटक के बेंगलुरु नॉर्थ से बीजेपी सांसद सदानंद गौड़ा को इस्तीफा देने के लिए कहा गया, उन्होंने दे दिया है। वह रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री थे। बताया जा रहा है कि कोरोना काल में दवाओं की कमी को लेकर मोदी सरकार की जो फजीहत हुई थी, उसकी गाज सदानंद गौड़ा पर गिरी। अगला नाम रतन लाल कटारिया। हरियाणा के अंबाला से सांसद रतन लाल कटारिया को भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। वह जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। उनकी जगह सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल को मंत्री बनाया जा रहा है। अगला नाम प्रताप सारंगी। ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी को भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया, उन्होंने दे दिया है। वह सूक्ष्म लघु और मध्यम एक के साथ ही साथ पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के राज्य मंत्री थे। अगला नाम संजय धोत्रे। महाराष्ट्र की अकोला लोकसभा सीट से सांसद संजय धोत्रे को भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। वह शिक्षा के साथ ही सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री थे। बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी संजय धोत्रे के काम से खुश नहीं थे। उन्हें संगठन में एडजस्ट किया जा सकता है, अभी फिलहाल ये बातें हैं। प्रकाश जावड़ेकर। अगला नाम बड़ा नाम। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले प्रकाश जावड़ेकर को भी इस्तीफा देना पड़ा है। जावड़ेकर महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। वो मोदी मंत्रिमंडल में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री रहे हैं। अगला नाम डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा दे दिया है। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर जिस तरह मोदी सरकार सवालों के घेरे में आई, उसका जवाब उन्हें मिला है और इस तरह उनका इस्तीफा लिया गया है। अगला नाम है रविशंकर प्रसाद का। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को भी पद से इस्तीफा देना पड़ा है। बिहार के पटना साहिब से लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद मोदी सरकार में कानून व न्याय मंत्री, संपर्क व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और संचार मंत्री थे, लेकिन अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। वह हाल में ट्विटर के साथ विवाद की वजह से खूब चर्चा में रहे। ये तो बात हो गई जिनका विकेट गिरा है। अब बात करते हैं जो चुने गए हैं। नामों की लिस्ट लंबी है, लेकिन व्हाट्सएप इंडस्ट्री के जमाने में हर जगह पहुंच चुकी होगी, फिर भी औपचारिकता के लिए बता देता हूं। तो वो नाम है
श्री नारायण तरुराणे, सर्वनंदा सोनवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, उपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी, अनुराग सिंह ठाकुर, पंकज चौधरी, अनुप्रिया सिंह पटेल, सत्यपाल सिंह बघेल, श्री राजीव चंद्रशेखर, शोभा करण डलाज्य, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शना विक्रम सदोष। इसके साथ ही मीनाक्षी लेखी, अनुपमा देवी, ए नारायण स्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, बी एल वर्मा, अजय कुमार, चौहान देवसिन, भगवंत खूबा, कपिल मोरेश्वर, प्रतिमा भौमिक, सुभाष सरकार, भगवंत किशन राव कराड, राजकुमार रंजन सिंह, भारती पवन पवार, भुवेश्वर तोडू, शांतनु ठाकुर, मंजूपुरा, जॉन बारला, एल मुरुगन, निशित परमानिक। तो ये वो नाम है जिन्हें मंत्रालय में जगह मिली है और इनका आज जश्न रख। तो आज से जिन लोगों को मंत्री जी कहकर संबोधित किया जाएगा उनके नाम। मंत्रिमंडल विस्तार तो हो गया, लेकिन सच में जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं वो हैं इकोनॉमी बैड शेप में, इसको देखना बहुत जरूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई पर, फ्यूल प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, रोजमर्रा की जरूरतें के जो सामान है वो आसमान छू रहे हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत खराब है और बहुत नाजुक। फिलहाल आने वाले चुनावों में सबसे बड़ा चुनाव है यूपी का, तो मंत्रिमंडल विस्तार में भी इसका बखूबी ध्यान रखा गया है। मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी का क्षेत्रीय संतुलन दिखता है। अनुप्रिया पटेल विध्यांचल क्षेत्र से, उनका ध्यान रखा गया। कौशल किशोर अवध क्षेत्र से, बीएल वर्मा बदायूं रुहेलखंड क्षेत्र से आते हैं, इसके बाद एसपी बघेल पश्चिमी यूपी, अजय मिश्रा रुहेलखंड और भानु प्रताप सिंह बुंदेलखंड, इसके साथ ही पंकज चौधरी पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं। ये सब वो नाम है जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। 7 मंत्रियों को आज मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, ये किसी भी राज्य में आने वाले सबसे ज्यादा मंत्रियों की संख्या है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि सभी संतुलनों को साधने की कोशिश की गई है। जहां पर अलग चीजों का ध्यान रखा गया है वहां पर चुनावों का भी ध्यान रखा गया है। मैं जैसा कि बार बार कहता हूं, ये सोशल इंजीनियरिंग है। इसके बाद शपथ ग्रहण के बाद कुल मंत्रियों की संख्या 77 हो जाएगी, ध्यान रखिएगा 77। आज के बाद के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सिर्फ 4 पद रिक्त रह जाएंगे, Only 4 positions will be left out. ये 4 पद किस किस पार्टी को ललचाते रहेंगे ये देखना अहम होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक बार फिर एक अन्य मुद्दे पर आपसे बात होगी और खूब बात होगी। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।